नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्ताचीन और मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। चलिए बात करते हैं टाइगर श्रॉफ की बागी 3 के बारे में, जिसे देखकर आपका दिल बाग बाग नहीं होगा बल्कि दिल करेगा कि हमेशा के लिए इस बागी से दूर भाग जाएं। तो जनाब सोच कर देखिए, 2020 के बदले हुए बॉलीवुड में जब आप छपाक, पंगा, शुभ मंगल ज्यादा सावधान और थप्पड़ जैसी सामाजिक रूप से सचेत और प्रोग्रेसिव फिल्में देख रहे होते हैं, एक फिल्म आती है जो आपको सीधे 90s के बॉलीवुड में ट्रांसपोर्ट कर देती है और दो भाइयों के आपसी प्यार की बासी कहानी देखे दिखाए एक्शन की रीयूज्ड चाशनी में लपेट कर परोस देती है। बड़े बजट की बागी 3 एक ऐसी जेनेरिक मसाला एक्शन फिल्म है जिसमें सलमान खान भी हो सकते थे, अक्षय कुमार भी और साहो वाले प्रभास भी, फर्क कछु न पड़ता। हीरो बनकर जय हेमंत श्रॉफ का इसमें होना सिर्फ इतना भर जोड़ता है कि जो शानदार शारीरिक मुर्कियां हम उनकी बाकी फिल्मों में देख चुके हैं वो यहां दोबारा देखने को मिलती हैं। छोंकिए मत, टाइगर श्रॉफ के बचपन का नाम जय हेमंत श्रॉफ ही था। कभी कभी सितारों के असली और जमीनी नाम भी याद कर लेने चाहिए, इससे समझ बनी रहती है कि उनकी लार्जर देन लाइफ छवियां गढ़ने में बॉलीवुड कितनी मेहनत कर रहा है। जय हेमंत को टाइगर बनाने के लिए बागी 3 को मिलाकर अब तक 8 एक्शन फिल्में बनाई जा चुकी हैं और आज तक एक भी ऐसी फिल्म नहीं बनी जो अद्भुत एक्शन करने की टाइगर की प्रतिभा से सच में न्याय कर सके। अगर वे साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री में काम करते होते तो उनके हिस्से में द मैन फ्रॉम नोवेयर या आई सॉ द डेविल जैसी पाथ ब्रेकिंग फिल्में कब की आ चुकी होती। अगर वे इंडोनेशिया तक में काम कर रहे होते तो द रेड जैसी बेमिसाल मार्शल आर्ट्स फिल्म में मौका भी पा सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ उनकी फिल्मोग्राफी की तकरीबन सभी मीडियोकर फिल्में हॉलीवुड से एक्शन कोरियोग्राफी और सेंसिबिलिटी आयात करती हैं, कहानी दक्षिण भारतीय फिल्मों से लेती हैं या फिर बॉलीवुड की ही सबसे घिसी पिटी कहानियों को दोबारा सिलबट्टे पर पीस लेती हैं। इस वजह से जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो जल्द ही टाएं टाएं फिस हो जाता है। इसका ताजा उदाहरण बेशक बागी 3 ही है, जिसमें बागी फ्रेंचाइजी की बाकी दो फिल्मों की तरह ही एक दक्षिण भारतीय फिल्म को आधिकारिक रूप से अडॉप्ट किया गया है। नाम है 2012 में आई तमिल फिल्म विताई और उसे लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्म बनाने के लिए हीरो को सीरिया भेज दिया गया है। ओरिजिनल फिल्म में नायक अपने शहर के ही लोकल खलनायक आशुतोष राणा से भिड़ता है, लेकिन चूंकि निर्माता साजिद नाडियाडवाला विशालतम फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए बागी फ्रेंचाइजी की हर फिल्म तमिल तेलुगु फिल्मों से मूल कहानी लेकर उसे बहुत बड़े स्केल पर शूट करती आई हैं। तमिल फिल्म विटाई की हूबहू कहानी बागी 3 ने अडॉप्ट की है। तमिल फिल्म में आर माधवन बड़े भाई और डरपोक पुलिस वाले की भूमिका में थे और बागी 3 में रितेश देशमुख ने यह भूमिका निभाई है। छोटे ताकतवर भाई की भूमिका में वहां पर आर्या थे और यहां वो मुख्य भूमिका टाइगर श्रॉफ ने निभाई है। दोनों फिल्मों में छोटा भाई बड़े डरपोक भाई की मदद करता है और अपराधियों को पकड़ता वो है, लेकिन श्रेय पुलिस वाले बड़े भाई को मिलता है। 8 साल पुरानी ये कहानी आज के हिंदी सिनेमा के लिहाज से एकदम आउटडेटेड है और बागी 3 का पहला हाफ देखते हुए इस पुरानेपन को आप आसानी से पकड़ लेंगे। फिर क्लिशे किरदारों की भी यहाँ भरमार है। सतीश कौशिक ऐसे पुलिस वाले हैं जो गलत अंग्रेजी बोलकर हास्य पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। श्रद्धा कपूर ऐसी क्लिशे प्रेमिका हैं जो गालियों को अटपटे ढंग से बोलकर हास्य पैदा करने की नाकाम कोशिश करती हैं। रितेश देशमुख ऐसे भोले भाले भाई हैं जो मूत्रालय को मंत्रालय बोलकर हास्य पैदा करने की नाकाम कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट, बागी 3 में सबसे खराब काम लेखकीय टीम ने किया है। संवाद से लेकर स्क्रीन प्ले तक में कोई दम, कोई नयापन नहीं है और ये तब है जब साजिद नाडियाडवाला को मिलाकर इस फिल्म में 5 लेखक मौजूद थे। सोचकर देखिए, अगर 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता है तो क्या 5 बिगाड़ा बागी बिगाड़ा हो सकता है? बागी 3 बहुत ज्यादा लंबी फिल्म भी है। 2.5 घंटे की लंबाई को जस्टिफाई करने लायक मटेरियल उसके पास है नहीं। सहकलाकारों के सब प्लॉट्स भी बोरिंग हैं, चाहे फिर वो फ्लैशबैक में दोनों भाइयों के पिता वाली कहानी हो, रितेश की पत्नी बनने जा रही अंकिता लोखंडे को दिए गए सीन हो, सीरिया में हीरो की मदद करने वाले विजय वर्मा का अधपका लिखा रोल हो जो कि बागी 2 वाले दीपक डोबरियाल की याद ज्यादा दिलाता है, या फिर पल में बदल जाने वाला जयदीप अहलावत का वो किरदार हो
जो कैरेक्टर आर्क नामक सिनेमाई परिभाषा की धज्जियां उड़ा देता है और फिल्म के अंतिम हिस्से में जयदीप के किरदार को अजीब सा बदलाव देता है। एक गंभीर और इंटेंस सीन आप खास तौर पर मिस मत कीजिएगा, जिसमें विजय वर्मा खुले मैदान में खड़े जयदीप अहलावत को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। इस सीन की मूर्खता देखकर आप लोटपोट भी हो सकते हैं। लोटपोट से याद आया, फिल्म में कई सीन हैं जो अनइंटेंशनली फनी है। फिल्म जब सीरिया पहुंचती है और अकेला टाइगर आइसिस के गढ़ में तबाही मचा देता है, तो एक सीन में उसका सरगना और फिल्म का मुख्य खलनायक अब्बू जलाल गाजा पूछता है कि आखिर कौन है जो मेरा प्लान बिगाड़ रहा है, अमेरिका, रूस या फिर मोसाद। ठीक अगले सीन में ऊर्जावान बैकग्राउंड स्कोर के साथ टाइगर श्रॉफ का चेहरा नजर आता है, एक हिंदुस्तानी भाई सब पर भारी। इस सीन पर आप हंस हंस कर सीट से नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए संभल कर हंसिएगा। एक और सीन है जो कि ट्रेलर में भी है। इसमें वंडर वुमन के शील्ड वाले एक्शन सीन से प्रभावित होकर टाइगर लोहे की शील्ड आगे करके सैकड़ों गोलियों को रोक लेते हैं, लेकिन उस सीन में उनके घुटने के नीचे के पैर पूरी तरह एक्सपोज्ड हैं, मगर फिर भी सैकड़ों में से एक भी गोली इस सुपर हीरो को छू तक नहीं पाती। ये तो IQ है इस फिल्म का। एक और सीन आगे आता है जिसमें तीन बड़े बड़े हेलीकॉप्टर टाइगर का पीछा कर रहे होते हैं और उनसे निकली एक गोली एक बम तक टाइगर को छू नहीं पाते। फिर थोड़ी देर बाद फिजिक्स और ग्रेविटी को नगण्य करते हुए टाइगर उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर को जमीन से उचक कर पकड़ भी लेते हैं। कुछ और दृश्यों के बाद कुछ ऐसे कारनामे भी कर जाते हैं कि तीनों हेलीकॉप्टर एक के ऊपर एक जमा हो जाते हैं और आखिर में टाइगर इन तीनों के ऊपर चढ़कर खड़े हो जाते हैं। मेरा मानना है कि थिएटरों की कुर्सियों में सीट बेल्ट की सुविधा भी होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हास्यास्पद विज्ञान को धता बताने वाले सीन देखकर लोटपोट होते समय सीट से गिरने पर दर्शकों को गंभीर चोटें आ सकती हैं। बाकी अभिनय किसी का काबिले तारीफ नहीं है। रितेश देशमुख वैसे तो एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन यहाँ ओवर द टॉप एक्टिंग करते हैं। वे इस बात को लेकर भी सदैव कंफ्यूज्ड नजर आते हैं कि उन्हें किरदार को भोला समझकर प्ले करना है या फिर मेंटल समझकर। इस कंफ्यूजन में वे किरदार को अजीब बना देते हैं। उनका किरदार एक फेक एनकाउंटर को ग्लोरीफाई करके भी दिल अलग से खट्टा करता है। श्रद्धा कपूर ने पहली वाली बागी में फिर भी प्रभावित किया था, यहां तो उन्हें क्यूट नजर आने का वो मौका भी नहीं दिया गया और ढकी छुपी गाली देने वाली लड़की का अजीब सा कैरेक्टरिस्टिक देकर इरिटेटिंग ज्यादा बना दिया गया है। वैसे तो कहानी दो भाइयों की ज्यादा थी, इसलिए उनके किरदार के पास स्कोप कम ही था, लेकिन इसलिए भी ये समझ आना मुश्किल है कि स्त्री और छिछोरे जैसी अच्छी फिल्में करने के बाद वे स्ट्रीट डांसर और बागी तीन जैसी चूरन फिल्में आखिर क्यों करती हैं, जो कि बतौर एक एक्टर उन्हें कुछ करने को देती ही नहीं है। टाइगर श्रॉफ का अभिनय भी ठीक वैसा ही है जैसी पिछली 3-4-5 फिल्मों से रहा है, एकदम सपाट। इमोशन व्यक्त करने में वे आज भी बेहद कच्चे हैं और अभिनय सुधारने के लिए मेहनत करना शायद उन्होंने अभी भी होल्ड पर डाला हुआ है। जब एक्शन बिक रहा हो तो अभिनय की किसे पड़ी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी सिनेमा में टाइगर से बेहतर एक्शन कोई नहीं करता। उनकी शारीरिक मुर्कियां एक्शन को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखने पर मजबूर कर देती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उनका ये एक्शन भी अब खासा रिपीटेटिव होने लगा है। फिल्मों में आधे समय हवा में रहते वक्त वे वही एक्शन करते हुए तकरीबन हर फिल्म में नजर आते हैं जो वे हीरोपंती के टाइम से कर रहे हैं। गुलाटी मारना, सामने की दीवार पर चढ़ जाना, एक टांग से सामने वाले के शरीर पर कई वार करना, कई घूसे मारना, कई टांगों पर अपनी लात मारकर हड्डियां तोड़ देना वगैरह वगैरह। उन्हें जरूरत है उम्दा एक्शन कोरियोग्राफर्स की, जो उनके लिए ऐसे कल्पनाशील एक्शन सीक्वेंस डिजाइन कर पाए जिन्हें देखकर हम हिंदुस्तानी दांतों तले उंगलियां दबा लें। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें हीरोपंती और बागी जैसी मीडियोकर फिल्में ही बार बार देखने को मिलती रहेंगी। मेरी तरफ से टाइगर श्रॉफ की प्रतिभा से न्याय करने में असफल रहने वाली और आगरा टू सीरिया जाने वाली हास्यास्पद बागी 3 को केवल 1.5 स्टार। उम्मीद है इस होली आप गुजिया जरूर खाएंगे। मुझे भी गुजिया खाने का मौका दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।